अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग करके बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करके रखी हुई हूँ, इसी की मैं पेंटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पेंटिंग ज़रूर पसंद आएगी। उससे पहले, अगर मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी इम्प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको आप पेंटिंग करना सीख पाएँ। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर लेना है सैप ग्रीन, और सैप ग्रीन से पहले हमें लीव में बीच में इस तरह से आउटलाइन कर देनी है और ऊपर की तरफ सेट दे देना है, और फिर कॉर्नर पर भी हमें इस तरह से आउटलाइन करनी है और नीचे की तरफ हमें सेट दे देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग। आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही आसानी से इसकी पेंटिंग करना आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें फिर से हमें जो खाली जगह छूटी हुई है वहाँ पर हमें इस तरह से पहले यहाँ पर लगाना है वाइट कलर, और इस तरह से जैसे हमें सैप ग्रीन को लगाया है वैसे ही हमें यहाँ पर वाइट कलर को लगाना है, और ऊपर की तरफ सेट दे देना, और कॉर्नर पे हमें ऊपर से नीचे की तरफ सेट देना। इस तरह से आप देख सकते हैं, और इस तरह से हमें दोनों कलर को लगाते हुए दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें यहाँ पर दोनों कलर को अच्छे से मिलाना है। तो फिर हमें यहाँ पर लेना है मैरून कलर, और इस तरह से जहाँ पर वाइट कलर लगा हुआ है वहाँ पर हमें इस तरह से मैरून कलर को लगाएंगे और नीचे की तरफ सेट दे देंगे, और बीच में भी हमें इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा हमें मैरून कलर को लेना है, और बीच में भी हमें इस तरह से सेट दे देना है। तो यहाँ पर हमें मैरून कलर से लिप को मुड़ा हुआ दिखाएंगे, तो इस तरह से हमें सेटिंग करना है, और बीच में भी हमें थोड़ा सा मैरून कलर लेना है और ऊपर की तरफ सेट दे देना है, दोनों कलर को अच्छे से मिला देना है और मैरून कलर से इस तरह से सेट दे देना है। तो उसी तरह से हमें दूसरे लिप की भी पेंटिंग करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो उसी तरह से हमें बीच में आउटलाइन करनी है साइप ग्रीन से, और ऊपर की तरफ सेट दे देना है, और ऊपर से हमें इस तरह से आउटलाइन कर देनी है और नीचे की तरफ सेट दे देना है, और थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देना है जहाँ पर हमें वाइट कलर से सेट देना है। तो इस तरह से हमें वाइट कलर को लगाएंगे और दोनों कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जहाँ पर खाली जगह छूटी हुई है वहाँ पर पहले आउटलाइन कर देंगे और दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बस को इस तरह से हमें हिलाना है और दोनों कलर अच्छे से हमारा मिक्स हो जाता है। इस तरह से हम ब्रश को हिलाएंगे, और जहाँ पर वाइट कलर लगा हुआ है वहाँ पर हमें फिर से मैरून कलर लेना, और इस तरह से हमें मैरून कलर से शेडिंग कर देनी है। हमें यहाँ पर मैरून कलर से लिप को मुड़ा हुआ दिखाना है, तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े जगह छोड़ते हुए इस तरह से हमें मैरून कलर को लगाना है, जिससे हमारी पंखुड़ी हमारी लिप मुड़ी हुई दिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमें वाइट कलर पे मैरून कलर को लगा देना है, और बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटी लिप की पेंटिंग करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो पहले हमें यहाँ पर लेना है सब ग्रीन को बीच में लगा देना है, और थोड़ी थोड़ी खाली जगह छोड़ देना है, और वहाँ पर हमें वाइट कलर को लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट कलर को लगाकर दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और वाइट कलर को ऊपर की तरफ हमें ज़्यादा लेना है, जिससे हमारी लिप अलग अलग ना दिखे। और इस तरह से हमें 1 नंबर का राउंड ब्रश लेना है, और इस तरह से हमें लाइनिंग कर देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इस तरह से लाइनिंग कर देनी है, और ये बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है और इसकी पेंटिंग है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, ताकि आपको पेंटिंग समझ में आए, और इसकी पेंटिंग करने में कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है। पहले हमें यहाँ पर लेना है वाइट कलर, और जो पंखुड़ी हमारे ऊपर की तरफ है वहाँ पर हमें वाइट कलर को लगाना है, और ऊपर की तरफ हमें वाइट कलर को लगाना है। हमें अलग अलग जगहों पर सारी पंखुड़ी में हमें वाइट कलर को लगाना है। तो यहाँ पर भी हमें ऊपर के जो हमारे पंखुड़ी की नोक है वहाँ पर हमें वाइट कलर को लगाना है, और जो पंखुड़ी हमारे ऊपर की तरफ
रहेगी, वहाँ पर हमें व्हाइट कलर को लगाना है थोड़ा थोड़ा। और जो हमारी खाली एक जगह छूटी है वहाँ पर हमें मैरून कलर को लगाना है पहले। इस तरह से हमें मैरून कलर को लगा देंगे पहले जहाँ पर खाली जगह छूटी हुई है। तो दोनों लीफ पे दोनों पंखुड़ी में हमें इस तरह से मैरून कलर को लगा देना है। और फिर हमें दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, व्हाइट कलर और मैरून कलर को अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं भरत को इस तरह से हमें हिलाना है और हमारे दोनों कलर अच्छे से मिल जाएंगे। और अगर हमारा व्हाइट कलर हल्का दिखने लगे तो आप बाद में भी व्हाइट कलर को लगा सकते हैं, मैं आप लोगों को अभी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा व्हाइट कलर हल्का हो चुका है। तो पहले कलर को हम अच्छे से मिला देंगे और फिर हमें व्हाइट कलर को लेना है और इस तरह से लगा देना है। और जो हमें यहाँ पर पंखुड़ी को मुड़ा हुआ दिखाना है तो हमारे जो पंखुड़ी है उसके नोक से हमें इस तरह से व्हाइट कलर को नीचे की तरफ लाएंगे, वहाँ पर हमें पंखुड़ी को मुड़ा हुआ दिखाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमें व्हाइट कलर को लगाना है जिससे हमारी पंखुड़ी मुड़ी हुई दिखे। तो इसी तरह से हमें इस वाले पंखुड़ी में भी ऊपर की तरफ व्हाइट कलर को लगाना है। और ये वाली पंखुड़ी हमारी दोनों तरफ से दबी हुई है इसलिए हमें पहली वाली पंखुड़ी में बस ऊपर की तरफ ही व्हाइट कलर को लगाना है और इस वाली पंखुड़ी में हमें इस साइड में भी व्हाइट कलर को लगाना है। दोनों तरफ हमें व्हाइट कलर को लगाना है क्योंकि दोनों तरफ से हमारी पंखुड़ी ऊपर है। और जो खाली जगह छूटी हुई है वहाँ पर हमें मैरून कलर को लगाना है और हमें बहुत ही संभाल से मैरून कलर को लगाना है ताकि हमारा मैरून कलर जो है वो दूसरे पंखुड़ी के ऊपर ना जाए। तो इसी तरह से हमें खाली जगह पे मैरून कलर को लगा देना है पहले। और फिर दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे। हमें यहाँ पर कलर को बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि हमारा कलर अलग अलग ना दिखे। तो इसी तरह से हमें दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे और इसी प्यारी सी पेंटिंग है, बहुत ही प्यारा फ्लावर है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, इसकी पेंटिंग जरूर करिएगा। तो इसी तरह से हमें दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे और फिर से हमें व्हाइट कलर को लेना है और इस तरह से ऊपर की तरफ लगाना है और जिससे हमारी पंखुड़ी मुड़ी हुई दिखे। और यहाँ पर हमारा कलर व्हाइट कलर हल्का हो चुका था तो इसलिए हमें फिर से व्हाइट कलर को लगाना है। और लगाने के बाद हमें दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे ताकि हमारा कलर अलग अलग ना दिखे। तो आप देख सकते हैं इसकी पेंटिंग कितनी अच्छी से हो रही है। तो आप भी कर सकते हैं, आप लोग बस कोशिश करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पेंटिंग करना आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आज मैं आप लोगों को क्लासिक्स की पेंटिंग करके बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोग बस ध्यान से देखें और पेंटिंग को समझिए कि कौन सा कलर हमें कहाँ पर लगाना है। तो इसी तरह से हमें व्हाइट कलर को लगाना है फिर से। और यहाँ पर पंखुड़ी को मुड़ा हुआ दिखाने के लिए हमें व्हाइट कलर को नीचे की तरफ लाना है जिससे हमारी पंखुड़ी अलग दिखे, मुड़ी हुई दिखे। और इस वाली पंखुड़ी में हमें ऊपर की तरफ व्हाइट कलर को लगाना है। हमें इस तरह से पहले ऊपर की तरफ व्हाइट कलर को लगा देंगे अंदर की तरफ और फिर जो बाहर की तरफ है हमारी पंखुड़ी इस तरह से हमें यहाँ पर मैरून कलर को लगाना है और दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से हमें दोनों कलर को मिला देना है। आपको कलर मिलाना आना चाहिए।
अगर आप लोग कलर मिलाना सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से आप पेंटिंग कर पाएंगे और आपकी पेंटिंग अच्छे से हो पाएगी। तो इसी तरह से हम कलर को मिला देंगे। अगर आप कलर मिलाना सीख गए तो आपको पेंटिंग करना आ जाएगा। तो मैं अब दूसरे फ्लावर की पेंटिंग करके बताऊंगी। यहाँ पर हमें व्हाइट कलर को लेना है। ये वाली पंखुड़ी हमारे ऊपर की तरफ है, तो इस तरह से हमें व्हाइट कलर को लगा देना है ऊपर की। इस वाली पंखुड़ी में हमें ऊपर की तरफ व्हाइट कलर को लगाना है, क्योंकि ये वाली पंखुड़ी हमारी दोनों तरफ से दबी हुई है, इसलिए हमें ऊपर की तरफ ही व्हाइट कलर को लगाना है। और फिर से हमें यहाँ पर लेना है क्रोमेलो, और क्रोमेलो को जो खाली जगह छूटी हुई है वहाँ पर येलो कलर को लगाना है इस तरह से। पहले खाली जगह जो छूटी हुई है वहाँ पर लगाना है येलो कलर को, और फिर व्हाइट कलर में मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला देना है। और फिर हमें यहाँ पर लेना है रेड कलर, और जहाँ पर हमारी पंखुड़ी दबी हुई है वहाँ पर हमें रेड कलर को लगाना है। तो इस तरह से रेड कलर को लगाते हुए हमें दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे, ताकि हमारा रेड कलर अलग ना दिखे। हमारा रेड कलर को येलो कलर में अच्छे से मिलाएंगे, और फिर व्हाइट कलर को लेंगे। फिर से हमें व्हाइट कलर को इस तरह से लेना है और लगाना है, और यहाँ पर पंखुड़ी को मुड़ा हुआ दिखाना है। तो इस तरह से हमें बीच में लाइन खींच देनी है नीचे की तरफ, और अच्छे से कलर को मिला देना है। तो जहाँ पर हमारी पंखुड़ी ऊपर की तरफ है, जो पंखुड़ी हमारी ऊपर की तरफ है वहाँ पर हमें व्हाइट कलर को लगाना है, और इस वाली पंखुड़ी में हमें व्हाइट कलर को ऊपर की तरफ लगाना है, और बीच में एक लाइन खींच देनी है नीचे की तरफ। पंखुड़ी के नोक से नीचे की तरफ हमें व्हाइट कलर से लाइन खींच देना है, जिससे हमारी पंखुड़ी मुड़ी हुई दिखे। तो इसी तरह से हमें सारी पंखुड़ी की पेंटिंग कर देना है। जो पंखुड़ी हमारे ऊपर की तरफ है वहाँ पर व्हाइट कलर को लगाना है, जो पंखुड़ी हमारी नीचे की तरफ है वहाँ पर हमें येलो कलर को लगाकर फिर से हमें रेड कलर को लगाना है और अच्छे से मिला देना है। तो पहले हमें इस तरह से व्हाइट कलर को लगाएंगे, फिर हमें जो खाली जगह छूटी हुई है वहाँ पर हम येलो कलर को लगाएंगे इस तरह से। और दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से मिला देंगे। और फिर मिलाने के बाद फिर हमें यहाँ पर लेना है रेड कलर, जो पंखुड़ी हमारे नीचे की तरफ दबी हुई है वहाँ पर हमें रेड कलर को इस तरह से लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर लगाने से फ्लावर और भी प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग ज़रूर इसकी पेंटिंग करना, बहुत ही प्यारी पेंटिंग है, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है। तो इसी तरह से हमें रेड कलर को लगाकर अच्छे से मिला देंगे, और फिर ऊपर से हमें वाइट कलर को लेना है, और फिर से हमें इस तरह से आउटलाइन कर देनी है, और दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे। हमें यहाँ पर व्हाइट कलर को पंखुड़ी को ऊपर दिखाने के लिए इस तरह से व्हाइट कलर को लगाना है, और व्हाइट कलर जब लगाएं तो फिर से आप कलर को अच्छे से मिला दें, ताकि हमारा व्हाइट कलर अलग ना दिखे। येलो कलर में हमें अच्छे से मिला देना है, और पंखुड़ी के जो नोक है पंखुड़ी की वहाँ पर हमें इस तरह से उसके बीच में व्हाइट कलर से नीचे की तरफ लाइन खींच देना है, और अच्छे से कलर को मिला देना, जिससे हमारी पंखुड़ी मुड़ी हुई दिखेगी।
इससे और भी फ्लावर और भी प्यारा दिखेगा। अब मैं यहाँ पर वाली पंखुड़ी की पेंटिंग करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ येलो वाइट कलर को लगाना है और आउटलाइन करने के बाद हमें कलर को नीचे की तरफ अच्छे से फैला देना है, जिससे हमारा कलर अच्छे से मिल पाए। अगर आप आउटलाइन करके छोड़ देंगे तो हमारा जो दूसरा कलर रहेगा वो मिल नहीं पाएगा इतने अच्छे से। तो आप जब भी आउटलाइन करें तो थोड़ा सा कलर फैला दें, जिससे हमारा जो दूसरा कलर होता है अच्छे से मिल जाता है। तो इस तरह से येलो कलर को लगाकर हमें दोनों कलर को मिक्स कर देंगे। और फिर नीचे की तरफ हमें रेड कलर को लगाना है पंखुड़ी के कॉर्नर पर। हमें इस तरह से रेड कलर को लगाना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर से हमें यहाँ पर व्हाइट कलर को लेना है, जिससे हमारा व्हाइट कलर डार्क दिखे। यहाँ पर व्हाइट कलर हल्का हो चुका था, तो इस तरह से हमें व्हाइट कलर को लगा देंगे और दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों फ्लावर की पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही आसान पेंटिंग है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पेंटिंग समझ में आए और आप भी पेंटिंग करना कर पाएँ। तो इंशाल्लाह आपको भी पेंटिंग करना आ जाएगा। आप लोग बस मेहनत करिए और ध्यान से समझिए कि हमें कौन सा कलर कहाँ पे लगाना है। तो इसी तरह से हमें इसे कली की भी पेंटिंग कर देना है, व्हाइट कलर को लगाना है। जो पंखुड़ी हमारे ऊपर की तरफ है वहाँ पर व्हाइट कलर को लगाना है, और ऊपर के पंखुड़ी के नोक पर भी व्हाइट कलर को लगाना है। और फिर येलो कलर को जहाँ पर खाली जगह छूटी येलो कलर को लगाकर दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे। तो अगर मेरी पेंटिंग आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसी पेंटिंग चाहिए, किस डिजाइन की पेंटिंग चाहिए सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को पेंटिंग करके बता दूँगी। और मेरी पेंटिंग अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर करिए, उन लोगों में भी शेयर करिए जिन्हें पेंटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरह से हमें इसकी पेंटिंग कर देना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कैसी पेंटिंग चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी पेंटिंग करके बताती रहूं, न्यू पेंटिंग करके लाती रहूं और आपको पेंटिंग करके बताती रहूं, जिससे आपको भी पेंटिंग करना आ जाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। तो इसी तरह से हमें व्हाइट कलर को फिर से लगाकर दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस डिज़ाइन को किसी भी चीज़ पर डाल सकते हैं, इस डिज़ाइन से आप किसी भी चीज़ पे इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बेडशीट पे ये डिज़ाइन को बड़ा बनाकर आप बेडशीट पे डाल सकते हैं, पिलो कवर पे भी डाल सकते हैं, और टेबल पे भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो सूट में भी इसकी पेंटिंग कर सकते हैं। आपको जिस भी चीज़ पर पेंटिंग इसकी अच्छी लगे, डिज़ाइन अच्छे लगे, तो आप ये जरूर कर सकते हैं। तो अगर मेरी पेंटिंग आपको पसंद आई है, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो इसी तरह से हमें रेड कलर को लगा देना है, जिससे हमारी पंखुड़ी मुड़ी हुई दिखे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लाइन खींची थी सैप ग्रीन से, वहाँ पर हमें एक छोटे से फ्लावर को ऐड कर देना है, जिससे हमारी पेंटिंग और भी प्यारी दिखे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें तो भी अच्छा लगेगा, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं।
और फिर फ्लावर के बीच में हमें येलो कलर से डॉट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंटिंग कितनी प्यारी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई पेंटिंग डिजाइन के साथ। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।